अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये गोल्डन मिश्री चूज़ा हम आपको दिखा रहे हैं, इसका वज़न जो है ना 40 से 45 दिन के दरमियान 300-350 ग्राम कैसे करना है, ठीक है ना। अगर चूज़ा बेतरतीब हो गया है, छोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, दरमियाने हो गए हैं, दो तीन साइज उसमें बन गए हैं, तो उसका मैं आज आपको हल बता रहा हूँ वीडियो के अंदर जो है ना। आप गौर से मेरी बात को देख रही हैं, सामने मैं चूज़ा दिखा रहा हूँ, छत के ऊपर हमारा फार्म है, ये मैं आपको ना वीडियो के अंदर क्लियर कट दिखा रहा हूँ, ये छत के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है ना। ये शाम का टाइम है, 6:15 बजे का, सामने आपको सड़क आ रही है, मैं छत के ऊपर हमारा फार्म है सारा, एम आर सर फिक्स फार्मिंग वाला, कोई गलत बात नहीं करता है, जो बताता है सच ही बताता है जी, गलत वीडियो नहीं बनाता। अच्छा, अगर आपका चूज़ा जो है ना, बात आते हैं टॉपर के ऊपर भी, बेतरतीब हो गया है, साइजिंग में छोटा बड़ा हो गया ना, तो आपने आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। इसमें होता है ऐसा कि जब चूज़ा साइजिंग में चला जाता है ना, छोटा या बड़ा जाता है, उसमें या तो फीड का रोल होता है, फीड आप सही वाली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि लोकल फीड इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें यानी कि वो तवानाई जो होती है ना खाने में, प्रोटीन वगैरह वो पूरी शामिल नहीं होती है, तो जो उनमें यानी कि भी नामियाती मादे होते हैं, सोयाबीन वगैरह वो पूरा शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें इन चीज़ों का भी रोल होता है, बाज़ औक़ात बर्ड्स के अंदर बीमारियाँ ठहर जाती हैं, जैसे जो है ना वो उनको बुखार हो जाता है। तो नए जो फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं, मेरी ये वीडियो उनके लिए है, न्यू फार्मर के लिए, ठीक है ना। जो पुराने फार्मर हैं वो तो माशाल्लाह तजर्बाकार होते हैं, उनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना वो समझना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ही तजर्बे में बहुत आगे होते हैं। तो मैं तो भाई 3-4 साल से ये काम कर रहा हूँ, कल भी एक भाई का मैसेज आया हुआ था, मुझे कॉल ही की थी, मैंने आपका ना नंबर दिया हुआ था उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा हमारा चूज़ा जो है ना छोटा बड़ा हो गया साइज़ में। सबसे पहले तो आप फीड का इंतखाब करें जी, अच्छे वाली फीड इस्तेमाल करें, जिसमें हर चीज़ मौजूद है, जो मशहूर फार्मर इस्तेमाल कर रहे हो ना वही आप फीड इस्तेमाल करें। जैसे छोटे फार्मों के लिए जो है ना अच्छी फीड है ना, उसका इंतखाब बहुत ही ज़रूरी है। जो भी गोल्डन मिश्री का पुराना बंदा काम कर रहा हो उससे मशवरा कर लें, यानी कि भी गोल्डन है फीड जो है ना वो मिश्री के लिए कौन सी फीड इस्तेमाल करनी है। मैं जो है ना जदीद फीड इस्तेमाल करता हूँ भाई, कोई ब्रोकर नहीं हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी यानी कि ये 20-22-23 बोरियाँ जो है ना फ्लाक के अंदर लगती हैं, हाथ 30 बोरियाँ लगती हैं, ठीक है ना। तो हम उसी हिसाब से जो है ना इसका चुनाव करते हैं। फिर इसमें जो होता है ना, अगर बुखार ठहर जाए तो आपने बुखार का इलाज करना होता है, अगर सांस ठहर जाए तो सांस का इलाज करना होता है, प्रॉपर जो है ना साथ साथ हर चीज़ चलनी होती है। अगर आप यानी कि बीमारियों के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे तो फिर यानी कि चूज़ा जो है ना कुछ बीमार हो जाएगा, बस कुछ तंदुरुस्त होगा मगर पूरे का पूरा फ्लाक जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें जो है ना फिर यानी कि चूज़े की साइजिंग हो जाती है छोटी बड़ी, बंदा मुतासर रहता है कि शायद बी ग्रेड चूज़ा आ गया है, बी ग्रेड चूज़ा हो तो तभी ये मसला हो जाता है, मगर ज़्यादातर अपनी कमियाँ कोताहियाँ ही शामिल होती हैं, ठीक है ना। आप अगर बर्ड को गौर से देखेंगे ना, अगर दीवारों के साथ चूज़े लग रहे हैं, इसे देखें, ये दीवार है, अब चूज़ों ने खा पी लिया है, ये देखें दीवार के साथ चूज़े नहीं हैं, रहने वाला केन है इसके साथ खड़े हैं, बकाया दीवारें देखें खाली हैं, कोई भी चूज़ा दीवार के साथ नहीं है। ये अभी धूप का टाइम है, मौसम भी ख़राब है, अभी अंधेरी आ रही है जी, ये सामने देखें आप सूरज अंधेरी आ रही है। अब जब ये मैं आपको मौसम इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वीडियो बनाते हुए मैंने बादल देखे, जुमे का दिन था तो मेरी अपनी कपड़े की दुकान में ये हाफ दिन था, तो मैं अभी यानी कहना इस टाइम पहली वीडियो यानी कि शूट कर रहा हूँ 6:00 बजे, नहीं तो मेरी सारी वीडियो जो है ना सुबह 6-7 बजे के दरमियान होती है, 5:30-6-7 बजे के दरमियान, ठीक है ना। अब ये मौसम ख़राब है, आंधी है, साथ में यानी कि ठंडी हवा चलेगी, अब इसके लिए जो है ना आपने सांस का मसला बन जाता है चूज़े के लिए। अब हम जो है ना इसी वीडियो में बता दूँगा डिस्प्रीन की गोलियां एक लीटर पानी के अंदर यानी कि भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इनको हम ताकत के लिए जो है ना कोई भी सिरप जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे लैसोवेट है या हाई इलेक्ट्रोलाइट जैसे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपट के नाम से मैं ज़्यादातर अब इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है काफ़ी सारी यानी कि भी चीज़ें दस्तियाब होती हैं। अच्छा, ये अब मैंने मौसम की आंधी को देख के आपको बात बता दी है, ठीक है ना। बकाया अगर छोटा बड़ा चूज़ा हो जाए ना तो उसमें दीवारों की तरफ चूज़े लगें तो उसमें सबसे पहले आप इनको बुखार का इलाज करेंगे। चूज़े को बुखार होता है, जब बुखार पुराना हो जाता है ना वो टाइफाइड में तब्दील हो जाता है, आप पेनाडाल इस्तेमाल करेंगे, ब्रोफेन इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, चूज़ा 1-2 दिन ही सेट रहेगा, फिर उसी कंडीशन में हो जाएगा। उसके लिए आप हाई इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। इनके ताकत के लिए जो मैं आपको इलेक्ट्रोपट के नाम से दिखाता हूँ ना,
वो इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जो है ना, फिर साथ में आप फ्लोर फेनिकाल का भैया इस्तेमाल करेंगे। फ्लोर फेनिकाल जो है ना, पुराने बुखार के लिए हो, जितना बुखार के लिए होता है, जितना भी पुराना आपके बर्ड को बुखार ठहर जाए, फ्लोर फेनिकाल अगर आप 3 दिन लगातार यानी कि भी दे देते हैं तो बुखार चूज़े का टूट जाएगा, ठीक है ना। फ्लोर फेनिकाल के साथ जो है ना, आप अगर वो खाने पीने में चूज़ा कमी को तय कर रहा है, लागरपन महसूस कर रहा है, भी खाने में सुस्त है, आस्ता आस्ता फीड को उठाता है, कम मकदार में खाता है, आप डब्बों के अंदर फीड डालते हैं तो वो घंटा घंटा दो दो घंटे पड़ी रहती है, तो समझें कि आपका चूज़ा जो है ना बीमारी का शिकार है। अगर आप फीड लेके आएंगे, चूज़ा दौड़ता हुआ आपके पैरों पे चढ़ जाए, भी सारे का फ्लाग सारा फ्लाग चढ़ने की कोशिश करते, समझ लें कि आपका चूज़ा ना बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना है, ठीक है ना। वो खाने पीने में उनके जिगर को कोई मसला दरपेश नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आंधी आ गई है, तूफान वाली आंधी आ गई है, तो मैं नीचे जाकर अपना इधर से नीचे जा रहा हूँ, आप मैं बना के अच्छा ही मैं नीचे आप पहुँच गया हूँ। आपने फार्म की सूरत हाल देखी, वहाँ इतनी यानी कि भी हवा थी, गर्द थी ना, यानी कि भी वहाँ तीसरी मंजिल के ऊपर मैं था, तो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्द गुबार था। बताता चलूँ कि चूज़ा साइजिंग में हो जाए ना, फिर आपने उसका हल यही करना है कि आपने उनके सबसे पहले ना जिगर का इलाज करना है और बुखार का इलाज करना है। आपने फ्लोर फेनिकाल ले लेना है 1 ml 1 लीटर के हिसाब से, ठीक है ना। 3 दिन आपने डेली डालना है, उसमें जो है ना साथ जिगर का खाना पीना कम हो तो साथ आपने लाइसोवेट ले लेना है 1 ग्राम 1 ml 1 लीटर के हिसाब से। यानी कि आप सुबह पानी रखेंगे 6 घंटे के लिए, ठीक है ना, सुबह से लेकर 6 से 7 घंटे तक वो पानी रखेंगे, उतना ही पानी रखना है 6 से 7 घंटे पी लें। और जो शाम हो जाए ना, जब वो पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको ना 25 मई की तारीख में मैंने इलेक्ट्रोपट के मुतलक बताया गया है, वो 25 मई की वीडियो आप निकाल कर देख रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोपट की तस्वीर देख रहे हैं। वो जो है ना इलेक्ट्रोपट जो है ना, वो इनके चूजे को तमन्नाई देगा, ताकत देगा, इनको खाने पीने में, गज़ा हज़म करने में मदद देगा, गर्मी लू से बचाएगा, क्योंकि जो 2 बजे के बाद का पीरियड होता है ना, 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5 बजे तक, ये बहुत ही हाई फाई गर्मी का राउंड होता है, उसमें इलेक्ट्रोपट जो है ना वो इनकी जो कुव्वते मुदाफ़त है उसको बढ़ाएगा, इनको गर्मी से बचाएगा, इसको यानी कि भी हड्डियाँ वगैरह मजबूत करेगा, उनके यानी कि भी खाने पीने के निज़ाम को दुरुस्त रखेगा, हीटअप से बचाएगा, इनके इनको ताकतवर मोटा करेगा। अगर आप 3 दिन तक ये कुड़िया इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड बिल्कुल सही हो जाएंगे, बुखार की कैफियत उनकी टूट जाएगी, और जो खाने पीने वाला निज़ाम है 3 दिन यानी कि भी तीनों चीज़ें आप में इस्तेमाल करनी है, लाइसोवेट और जो है ना फ्लोर फेनिकाल, सुबह के टाइम 6 से 7 घंटे का पानी देना है, और जो पिछला टाइम है वो सारी रात में ना यानी कि भी जो समझें कि 6 घंटे के बाद वाला पीरियड है ना, उसमें आप इसी हिसाब से यानी कि वो इलेक्ट्रोपट इस्तेमाल करना है कि वो इनके 12-14 घंटे का पानी होगा। 3 दिन आप यानी कि ये कुड़िया देंगे तो ये इनके चूज़े खाना पीना भी सही कर लेंगे, खुराक सही हजम करेंगे, और ये ताकतवर तवाना हो जाएंगे। फिर अगले 3 दिन में आप इनका वेट देख लीजिएगा, इनके चूज़ों का कलर देखेगा, हेल्दी चूज़े नज़र आएंगे आपको, इनके भी कलर इनके निखरे हुए साफ शफाफ नज़र आएंगे। और अगर इसके साथ मैं आपको एक और कुड़िया भी बता दूँ कि अगर ये इनके इनमें साइजिंग वाला मसला होना साइजिंग, तो आपने इस तरह करना है कि अगर आपके पास 2000 बर्ड्स है, आपको नज़र आता है कि इसके अंदर यानी कि कोई 200-300 बर्ड जो है ना छोटा रह गया है, तो वो यानी कि भी उसमें फीड डालेगा रोल होता है, या वो बी ग्रेड चूज़ा होता है, अगर आप कम फीड डालते हैं तो उसमें भी मसला आ जाता है, अगर ज़्यादा फीड डालते हैं वो फीड खा खा कर भी चूज़ा हल्का हन हो जाता है, तब भी वो सुस्त होने लग जाता है, खुराक पूरी नहीं उठाता है, ठीक है ना। आपने फीड का दौरान ये इतना रखना है कि 15 मिनट से 25 मिनट तक फीड खा लें चूज़े एक टाइम में, सुबह में इतना ही यानी कि दौरान आपने शाम को रखना है, 15-20 मिनट 25 मिनट के दरमियान जो फीड खा रहे हैं अगर देख लें खा कर चूज़े फारग हो गए, तो आपने डब्बों को ऊपर जो है ना कील लगा कर रख रहे हैं, या कोई रस्सी रख रहे हैं कि डब्बों को ऊपर लटका लें। अगर साइजिंग वाले चूज़े हैं तो उनको आपने अलहदा कर लेना है, फिर उनमें देख रहे हैं बुखार की अलामत है, इनको कॉक्सी वाला मसला तो नहीं है, सांस वाला मसला तो नहीं है, पहले आपने वो बीमारी दूर करनी है, उसके बाद जो है ना इनको फीड आपने आधे पौने घंटे के लिए रखेंगे, सुबह आधे पौने घंटे के लिए शाम में, तो साथ में जो है ना आप यानी कि भी डेली बेस के ऊपर कोई ना कोई यानी कि भी इलेक्ट्रोपट डालेंगे, हाँ इलेक्ट्रोपट डाल लिया करें 1 दिन, दूसरे दिन जो है लैसोवेट का इस्तेमाल करें, साथ में अगर कोई इनको मसला नहीं है ना तो फिर आप डिस्पिन की 1 लीटर 1 पानी के अंदर ना गोली डाल दिया करें 6 घंटे के पानी में,
इस तरह वो चूज़े इनके भी सही भी हो जाएंगे। अगर इनको पानी वाले मोशन आ रहे हैं, ये हल्का हल्का देखते हैं कि कच्ची बीठें फेंक रहे हैं, पानी वाला मसला साथ चल रहा, तो इसमें ORS का आप इस्तेमाल करेंगे। एक केन के अंदर एक पूरी ORS की डाल देंगे, इससे वो जो साइजिंग वाले चूज़े हैं ना, छोटे रह गए हैं, या आप जिनको बी ग्रेड कह सकते हैं, जिनके उस इतने चूज़ों में बी ग्रेड निकला है, तो वो भी इंशाल्लाह इनके मोटे ताज़े हो जाएंगे। ORS भी आपने 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। ORS में इनके भी आपने एक पूरी एक केन में इस्तेमाल करनी है, उसके साथ 1 लीटर पानी के अंदर जो है ना, आपने इनके भी एक गोली डिस्प्रिन की इस्तेमाल करनी है, साथ में इलेक्ट्रोपट भी उसको डालना है, यानी कि भी वो अलग से आपने उनका निज़ाम चलाना है। छोटे जो रह गए चूज़े, उनको 5-7 दिन लगातार देंगे आप, तो इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएंगे। जब तक आपका वो फ्लाग यानी कि जो बड़ा साइज का हो गया वो होगा, वो बिकना शुरू हो जाएगा, तो साथ में ये भी तैयार हो जाएगा, फिर आपको छोटी साइज से निजात मिल जाएगी, आपके सारे का सारा फ्लाग बराबरी में आ जाएगा। यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो आपके साथ शेयर किया गया। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो की बेहतरीन यानी कि बात मैंने की हो वीडियो के अंदर, तो आप फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।